नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ब्यावरा शहर के वार्ड नंबर 28 के गुजरान गली में विद्युत पोल बड़े हादसों का संकेत दे रहा है। इन पोलों की देखरेख के अभाव में जर्जर विद्युत पोल हादसे को निमंत्रण दे रहा है। इन पोलों को लेकर वार्ड पार्षद द्वारा तमाम शिकायतों के बावजूद भी संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हुए बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पोलों की जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। गुजरान गली में विद्युत पोल जगह जगह क्षतिग्रस्त है। इस गली में विद्युत पोल सड़क के ठीक मकान के पास बीच खड़ा है। बारिश के समय इसमें करंट प्रवाहित होने से कई पशु उसकी चपेट में आ गए थे। पोल मकान के पास बीच होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। बड़े वाहन भी नहीं निकल सकते हैं। आसपास के घरों के बच्चे कई बार खेलते खेलते इस खंभे तक पहुंचते हैं, जिससे घर वालों को हर समय इसकी निगरानी करनी पड़ रही है। गुजरान गली में लगा ये पोल अगर गिर जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं वार्ड नंबर 28 में झुके हुए पोल, अधिकारी कर रहे हैं अनदेखी। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते शहर में वार्ड नंबर 28 में विद्युत पोल बड़े हादसे का संकेत दे रहे हैं। इन पोलों की अनदेखी के अभाव में टूटे हुए विद्युत पोल हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। वार्ड पार्षद द्वारा तमाम शिकायतों के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनदेखी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे आसपास के बच्चे भी वहाँ खेल कूद करते हैं, जिससे उनके परिवार वालों को इनकी निगरानी करनी पड़ रही है। जैसे बारिश के मौसम में भी ये विद्युत पोल घरों के बिल्कुल पास से होते हुए इनके खुले तार कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा उक्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो बारिश का समय है उसमें किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा हो सकता है।